इधर सपा के विधान परिषद उम्मीदवारों की भाजपा से अपील। सपा उम्मीदवार राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल ने अपील की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अनिल राजभर से अपील की है। आशीष पटेल दिनेश खटीक से भी वोट देने की अपील की है। स्वतंत्र देव सिंह संजय निषाद लक्ष्मी नारायण चौधरी से भी वोट देने की अपील की है। अपील लेटर भी आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो नेता है भाजपा के उनसे खुद के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। स्वतंत्र देव सिंह संजय निषाद तमाम नेताओं का नाम भी इसमें शामिल है। नोएडा से बड़ी खबर है। सेक्टर 24 के ईएसआईसी हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हो गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने हॉस्पिटल में डेरा डाल लिया है। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि कल बच्ची की डिलीवरी हुई थी और आज सुबह बच्चा चोरी हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। ईएसआईसी हॉस्पिटल के सुरक्षा सिस्टम पर भी सवाल उठे हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है नोएडा के ईएसआईसी हॉस्पिटल से। अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी होने से हड़कंप मच गया है। इधर जो बच्चे के परिजन हैं उन्होंने हॉस्पिटल में ही डेरा डाला है और अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी परिजनों की तरफ से लगाया गया है। सुरक्षा सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। तो परिजनों को भी आपने सुना, लापरवाही का आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर। और अब राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी डीएम एसएसपी पुलिस कमिश्नर के साथ ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। शाम 7 बजे सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था समेत प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जानी है। बड़ी खबर, शाम 7 बजे का समय और सीएम योगी आदित्यनाथ ये बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी डीएम एसएसपी पुलिस कमिश्नर को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पर चर्चा की जा सकती है। सीएम की तरफ से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब कानपुर से खबर। सपा विधायक इरफान पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में इरफान के सभी मामलों पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद महाराजगंज जेल लेकर निकल चुकी है पुलिस। और मीडिया से बातचीत करते हुए इरफान सोलंकी ने कहा कि रात चाहे कितनी भी काली हो सवेरा उतना ही मजेदार होता है। तो सुनवाई होनी थी सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामलों पर, सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब पुलिस सुनवाई के बाद महाराजगंज जेल लेकर निकल चुकी है। देर महीने बाद आपसे मुलाकात है, इसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो सवेरा उतना मजेदार होता है। देर महीने बाद आपसे मुलाकात है, इसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो सवेरा उतना मजेदार होता है। देर महीने बाद आपसे मुलाकात है, इसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो सवेरा उतना मजेदार होता है। देर महीने बाद आप मऊ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। हमारे 5 विधायक सपा को वोट करेंगे, पहले अखिलेश हमसे वोट मांगे तो सही, सपा के उम्मीदवार जीतेंगे नहीं। ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है। मऊ में मौजूद थे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हमारे 5 विधायक समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे लेकिन अखिलेश यादव पहले हमसे वोट मांगे तो सही। अट्ठाईस तारीख को अपने सभी 5ों विधायकों को बुलाया गया है, लखनऊ बुलाए हैं। रात को चिंतन मंथन करेंगे, अगर बिन मांगे देना है तो क्या करना है, अगर कोई मांगता है तब क्या करना है। तो 5ों विधायकों से, एक तो हमारा जेल में है, तो 5 विधायकों से बातचीत करके ही डिसीजन लिया जाएगा। अखिलेश यादव अगर मांगेंगे तो? कोई मांगे वोट तो देना है, अगर मांग दिए तो देना है, जो मांगेगा उसको देंगे। दे देंगे, बिल्कुल देंगे। अखिलेश जी के साथ जाएंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देना है, कोई मांगे, अब जो नहीं मांगेगा तो उसको हम काहे को दें वोट। मतलब आप ये बात खुल के कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव जी के मांगने पे आप उनके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक एक वोटर के यहाँ जाके लोग वोट मांगते हैं, तो अगर ये लोग वोट मांगे तो वोट दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ा।
वही हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हो गए हैं। आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, हेट स्पीच मामले में बरी हुए हैं। निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी, सजा के बाद विधायकी भी रद्द हो गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी और रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आजम खान को बरी कर दिया है। एसीजीएम कोर्ट से सजा हुई थी आजम खान को और इस सजा के बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई थी, लेकिन आज ये बहुत बड़ी राहत आजम खान को मिली है जिसमें कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। एसीजीएम कोर्ट से सजा हुई थी, क्या पूरा मामला है वो भी आपको बता दें। दरअसल 2019 को हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हुए हैं, आज इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें आजम खान को बरी कर दिया है। रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को बरी किया है, ये बहुत बड़ी राहत भी आजम खान के लिए मानी जा रही है। 2019 मामले में ही आजम खान को सजा मिली थी जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। 2019 मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 27 अक्टूबर 2022 को जिस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, उस मामले में आजम खान अपर न्यायालय में अपील में गए थे और निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एडीजे की अदालत ने आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव के दौरान का जो हेट स्पीच का मामला था आजम खान का, उसमें आजम खान को अदालत ने आज बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि आजम खान की जो विधायकी रद्द हुई थी उसके बाद से विधानसभा के उपचुनाव हुए थे रामपुर में और जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना वो उपचुनाव में जीत गए थे और वो विधायक बन गए थे। आज आकाश सक्सेना ने कहा कि वो फैसले का समीक्षा करेंगे और उसके बाद अपने वकीलों से राय लेने के बाद आगे की पैरोकारी करेंगे, लेकिन फिलहाल आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। आजम खान के वकीलों का कहना है कि सरकारी पक्ष जो है वो आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा और आजम खान को अदालत ने निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। आजम खान पर इसके अलावा भी कई मुकदमे हैं, लेकिन अब अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट जाता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आजम खान के लिए ये एक बड़ी जीत है कि उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हेट स्पीच का मामला था उसमें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, उसे अपीलांट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। सभी मामलों में? जी हाँ, सभी मामले हेट स्पीच से रिलेटेड, जो 185/2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था ये और कहाँ का मामला था, थोड़ा विस्तार? ये मेरे साथ भाई बताएंगे, बता दो भैया क्या मामला था ये थाना मलिक से रिलेटेड मामला था और ये जो लोकसभा 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड ये मामला था। जो प्रोसिक्यूशन ने उस रिलेटेड मुकदमे में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें मुकदमे में ये FIR कराई थी और वो न्यायालय में अपना केस जो साबित नहीं कर पाए और न्यायालय द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम में तैनात बाबू ने सुसाइड कर लिया है। निगम के अफसरों से परेशान होकर सुसाइड का आरोप लगा है। अफसरों की मांग पूरी ना होने पर रिश्वत का आरोप लगा था। लोहा मंडी जोन कार्यालय में तैनात था मृतक मनोज। अधिकारियों से परेशान निगम बाबू ने आत्महत्या की है। इधर सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। निगम के कर निर्धारण अधिकारी और कर अधीक्षक पर आरोप लगाया है। आत्महत्या से पहले लेटर लिखकर भ्रष्टाचार की भी पोल खोली है। पत्रावली पर साइन के नाम पर मांगे जाते हैं रुपए। 1,000 से 3,000 तक रिश्वत मांगी जाती है और रिश्वत ना देने पर रोकी जाती है पत्रावली। अधिकारियों की मांग पूरी ना होने पर बाबू पर लगता था रिश्वत का आरोप। लोहा मंडी जोन कार्यालय में तैनात था मृतक मनोज कुमार जिसने आत्महत्या कर ली। नगर निगम में तैनात बाबू ने आत्महत्या कर ली, बड़ी खबर आगरा से। और अपने पीछे सुसाइड नोट भी छोड़ा है और सुसाइड नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, क्या ये पूरा मामला था, क्यों आत्महत्या की गई और सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, जिन अधिकारियों का जिक्र किया गया है, उनका क्या कुछ कहना है? अब देखिए, बिल्कुल, लोहा मंडी जोन कार्यालय में, नगर निगम का लोहा मंडी जोन कार्यालय में ये बाबू तैनात था जिसका नाम मनोज कुमार है और रिश्वत के लिए जो अनैतिक दबाव
बनाया जा रहा था। इनके जो उच्च अधिकारी हैं जिसमें कर निर्धारण अधिकारी और कर अधीक्षक पर गंभीर आरोप है, जो शिकायत लेटर छोड़ा है उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पोल खोली है और इसमें बताया गया कि 1,000 से लेकर 3,000 तक रिश्वत मांगी जाती थी, पत्रावली पर साइन के लिए पैसे मांगे जाते थे, रिश्वत न देने पर पत्रावली रोक दी जाती थी और लगातार उन जो मृतक हैं मनोज कुमार उन पर अनैतिक दबाव बनाया जाता था जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कफन में जेब नहीं होती, यानी कहीं ना कहीं एक नैतिक और मोरल एक लेसन देने की कोशिश की है। अब इस मामले में अभी तक कोई भी जो अधिकारी हैं इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से नगर निगम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से जो एक व्यक्ति ने जान अपनी दी है ये बहुत गंभीर मसला। इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की जरूरत है, पुलिस भी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुल मिला के कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारियों के अनैतिक दबाव और भ्रष्टाचार की वजह से ने सुसाइड किया है। जी चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये बड़ी खबर आगरा से आप देख रहे हैं। निगम के बाबू ने आत्महत्या कर ली है, अफसरों की मांग पूरी ना होने पर रिश्वत का आरोप बाबू पर लगता था और इससे आहत होकर आज मनोज कुमार ने आत्महत्या कर ली। प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामपुर से आकाश सक्सेना जी। सर ये बताइए, आजम खान को अब अदालत ने बरी कर दिया, आगे क्या होगा? देखिए ये उनका संवैधानिक अधिकार था जिसके अधिकार के ही उस पर वो निचली कोर्ट के फैसले के लिए ऊंची कोर्ट में गए थे, ADJ MPLA में गए थे। तो वहाँ से उनको जो ऑर्डर आया है उससे भले ही वो राहत उनको महसूस हो रही है, लेकिन सबका संवैधानिक अधिकार होता है कोर्ट में जाना। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आज अगर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने अच्छा किया है, हमेशा वो यही कहे थे, कहना चाहिए उनको कि कोर्ट ने जो किया वो सही किया है। ये बताइए कि जो उनकी विधायकी रद्द हुई थी क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए ये सब चीज़ें अभी कानूनी पेज हैं, उसको ऑर्डर एक बार पढ़ लें। और दूसरा एक नियम होता है कि अगर निचली कोर्ट एक बार किसी को सजा कर देती है जी, तो उसमें उसके जो संवैधानिक पद होता है वो चुनाव होता है और 6 साल के लिए चुनाव उसका पास होता है, तो उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये उनको व्यक्तिगत एक राह जरूर हो सकती है, लेकिन जो कानूनी पेज है उसका वो एक हिस्सा होता है। इस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? देखिए अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष उसको देख रहा है और देखकर उसको निर्णय करेंगे। तो राजनीतिक को फायदा मिलेगा क्योंकि चुनावी माहौल है, क्योंकि आजम खान को एक और मामले में 2 साल की सजा मुरादाबाद की कोर्ट से भी हो रखी है, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा आजम खान को जरूर मिलेगा? देखिए ऐसा, हम हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम हमेशा से ही ये कहते हैं कि जो न्यायालय करेगा वो हमें बिल्कुल मंजूर होगा, और बाकी जो रहे बात राजनीतिक जनता जिसके साथ होगी आगे पैरोकारी करेंगे। इस मामले में पैरोकारी हमेशा से ही मजबूत चल रही है, मजबूत हमेशा चलती है। तो अपील का मतलब मन बना लिया है, अब देखते हैं ये सब, अभी ऑर्डर हम पढ़ने हैं जी। देखिए आकाश सक्सेना है, सबसे पहले उन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी है, उनका कहना है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ जाए, उसे पढ़ लें और पैरोकारी जो है वो मजबूत की जाएगी। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो मन बना चुके हैं। अफजल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता पर सुनवाई टल गई है, हाई कोर्ट में अब कल होगी मामले की सुनवाई। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। अफजल अंसारी ने MPLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा की सदस्यता पर सुनवाई जो है अफजल अंसारी की वो टल गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अफजल अंसारी ने MPLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं अफजल अंसारी की सदस्यता जाने के बाद अब गाजीपुर में उपचुनाव की आहट शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन की मरम्मत के बाद अब BLO की बैठक हुई जिसमें उनसे मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे जनपद में लोकसभा उपचुनाव भी प्रस्तावित है और इसके अतिरिक्त 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज BLO की बैठक बुलाई थी जिसमें उनको नाम परिवर्तन मार्जिन के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बूथों पर पर्याप्त AMF की व्यवस्था कराने के लिए हम लोगों ने उन्हें बताया है, यदि कहीं कोई समस्या है तो हमें समय रहते अवगत करा दें ताकि हम इसकी तैयारी कर सकें। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के विवाद में मारपीट हो गई है, दो भाइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, एक पक्ष ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया और अधिकारियों से गुहार लगाई है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। जमीन का विवाद दो भाइयों में बताया जा रहा है और देखते देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।